Hello and welcome in this video. Today we are going to learn EVS for standard 3. This is chapter WaterOWater from standard 3 NCERT textbook. The chapter number is 3. आज हम वाटर के बारे में पढ़ेंगे. जैसा कि आपको चैप्टर के नेम से ही पता चलता है कि ये चैप्टर वाटर के बारे में है, तो हम देखेंगे कि हम अपने डेली लाइफ में वाटर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं. हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, कुछ चीज़ों से इसे समझते हैं. समझिए कि एक पूरे दिन आपके घर में पानी नहीं आया तो आपको कैसा लगेगा और आपके कितने सारे काम रुक जाएंगे. अगर आपको 2-3 घंटे पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा तो क्या होगा, आपको प्यास लगेगी और आपको बेचैनी होने लगेगी. अगर प्लांट्स को हमने पानी नहीं दिया तो क्या होगा, प्लांट मुरझा जाएंगे. ठीक है, तो इसलिए हमारे लिए पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. वाटर इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर अस. तो चलिए हम देखते हैं वाटर के क्या यूजेज हैं हमारे डेली लाइफ में. यूजेज ऑफ वाटर इज ड्रिंकिंग. सबसे पहले तो हम ड्रिंकिंग करते हैं वाटर, और ऐसा बोला जाता है कि दिन में 8 से 10 ग्लास पानी मिनिमम पीना चाहिए, और अगर आप नहीं पीते हैं तो आपको भी पीना चाहिए. क्लीनिंग होम एंड कार. घर की साफ सफाई करने के लिए, कार की सफाई करने के लिए या फिर बाइक की सफाई करने के लिए हमें किस चीज़ की जरूरत होती है, पानी की. अब वॉशिंग क्लोथ्स एंड यूटेंसिल्स. कपड़े धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए भी वाटर की जरूरत हमें पड़ती ही पड़ती है. कुकिंग में आ जाता है मेकिंग टी, नीडिंग डो, देन आफ्टर मेकिंग वेजिटेबल्स, मेकिंग दाल चावल, ये सारी चीज़ों के लिए हमें किस चीज़ की जरूरत पड़ती है, तो हमें पानी की जरूरत पड़ती है. देन आफ्टर बाथिंग या फिर बेदिंग, बेदिंग के लिए हमें किस चीज़ की जरूरत पड़ती है, तो पानी की जरूरत पड़ती है. कुछ लोग शावर में नहाते हैं, कुछ बकेट का इस्तेमाल करके नहाते हैं, कुछ नदी में नहाते हैं. देन रो बोट, नाव चलाने के लिए भी हमें पानी की जरूरत पड़ती है. देन ग्रो प्लांट, टू ग्रो प्लांट ऑल्सो वी नीड वाटर. जैसे जो फार्मर्स होते हैं, जो किसान होते हैं, फार्मर्स कहाँ खेती करते हैं, खेतों में, और उनको खेतों में पानी देने के लिए, मतलब प्लांट्स को इरिगेशन के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है. और हम भी अगर हमारे आसपास कहीं पर प्लांट है या हमारे घर में प्लांट है तो हम उसे पानी देते हैं, क्योंकि बिना पानी के वो अपना खाना नहीं बना सकेंगे और वो ख़त्म हो जाएंगे, मर जाएंगे या फिर मुरझा जाएंगे. तो ये सारे यूजेस हैं वाटर के लिए. यहाँ पर एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमें ये सारी चीज़ें करते हुए ये ध्यान रखना है कि हम किस तरह से वाटर का कम इस्तेमाल करें. हमें वाटर वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं दुनिया में जिनको पानी नहीं मिलता है. आपने देखा होगा या सुना होगा कि बहुत सारे लोगों के घर में नल नहीं होती है, उनको बहुत दूर दूर पर पानी लेने के लिए जाना पड़ता है, या फिर बहुत सारे इलाकों में पानी की बहुत कमी होती है. तो हमें वाटर सेव करना है. ड्रिंकिंग वाटर या फिर यूजेबल वाटर बहुत ही कम है दुनिया में, तो आपको वाटर सेव करना है. अब इसमें मैं आपको 2-3 टिप्स बता देती हूँ कि आप कैसे वाटर सेविंग करेंगे. अगर आप वॉशिंग क्लोथ्स या फिर वॉशिंग कार कर रहे हैं तो क्या करना है, आप पोछा, कार को पोछ करके साफ करें. बहुत ज़्यादा होज पाइप से धोने की ज़रूरत नहीं है. वो वीकली या मंथली आप धोकर साफ कर सकते हैं, पर मोस्टली उसको पोछ करके साफ करना ज़्यादा अच्छा रहता है. फिर अगर क्लोथ्स धो रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, तो हमेशा डेली वॉशिंग मशीन में कपड़े धोना सही नहीं है. उसको पानी बचाने के लिए हमें वीकली या फिर ट्वाइस अ वीक कपड़े धोने चाहिए, या फिर आप बकेट का इस्तेमाल करके कपड़े धोएंगे तो बेस्ट होगा. उसके बाद बेदिंग के लिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि शावर चालू करके छोड़ देते हैं और साबुन लगाते हैं फिर नहाते हैं. ऐसा करना बहुत सही नहीं है. यू कैन यूज़ बकेट फॉर बेदिंग. नहाने के लिए बकेट और जग का इस्तेमाल कीजिए, मग का इस्तेमाल कीजिए, जो ज़्यादा अच्छा है, पानी सेव होता है उससे. फिर आप अगर प्लांट में भी पानी दे रहे हैं तो जितना रिक्वायर्ड वाटर है उतना ही दीजिए. बहुत ज़्यादा पानी देने से प्लांट ख़राब भी हो जाते हैं, वाटर वेस्ट भी होता है. तो आप ये सारे टिप्स फॉलो करेंगे, आई होप. अब आगे हम देखते हैं स्टेट ऑफ वाटर कौन कौन से होते हैं. स्टेट ऑफ वाटर होते हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. इस तीनों में वाटर अवेलेबल होता है. सॉलिड
मतलब आइस जो होता है वो वाटर का सॉलिड फॉर्म होता है. लिक्विड जो हम वाटर देखते हैं, पीते हैं या फिर यूज़ करते हैं, वो सब लिक्विड फॉर्म में होता है. फिर गैस, गैस मतलब कि जब हम वाटर को गर्म करते हैं या फिर धूप से, सनलाइट से जब वाटर गर्म होता है तब वो वेपर बन जाता है, तो ये भी एक वाटर का फॉर्म है. तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. और इस बारे में पोयम में बताया गया है, बुक के अंदर एक पोयम दी गई है वाटर और वाटर चैप्टर में, इस बारे में उस पोयम के अंदर बताया गया है. अब हम देखेंगे स्टोरेज के लिए वाटर, हम वाटर का स्टोरेज कहाँ कहाँ करते हैं. एक तो बकेट, देन आफ्टर टैंक या फिर टाका या फिर टंकी भी बोलते हैं लोग उसको, और इंग्लिश में उसको हम टैंक बोलते हैं. फिर अर्दन पॉट मतलब कि घड़ा या मटका जिसको बोलते हैं, उसमें लोग स्टोर करते हैं पानी. फिर ड्रम्स, बड़े बड़े ड्रम्स होते हैं उसमें लोग पानी स्टोर करते हैं. देन ग्लास पीने के लिए हम यूज़ करते हैं. देन जग, इसमें भी वाटर स्टोर किया जाता है. और स्टोरेज ऑफ वाटर की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि हम कई बार ऐसा देखते हैं कि हमेशा पानी अवेलेबल नहीं होता है, तो बहुत सारी जगह में दिन भर पानी नहीं आता है. फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट की तरफ से जो पानी दिया जाता है वो उसका टाइम फिक्स होता है कि एक घंटे आएगा या दो घंटे आएगा, तो लोग उसको टैंक में भर करके जमा कर लेते हैं जिसके कारण दिन के दूसरे समय पर वो इस्तेमाल कर सके, या फिर जब पानी की कमी हो तब वो इस्तेमाल कर सके. अब हम आगे देखते हैं. तो कई बार मैं बच्चों से ऐसा पूछती हूँ कि आपको पानी कहाँ से मिलता है, व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ वाटर. तो बच्चे बताते हैं कि हमें पानी नल में से मिलता है. वो अपनी जगह सही है, आप अपनी जगह सही हो कि हमें पानी नल से मिलता है, पर मेन सोर्स ऑफ वाटर क्या होते हैं कि पानी जहाँ से आता है नेचुरल सोर्सेज होते हैं वो, जैसे कि लेक, पॉन्ड, वाटरफॉल, रिवर, स्ट्रीम, सी, हॉट वाटर स्प्रिंग, ये सब नेचुरल सोर्सेस ऑफ वाटर हैं जहाँ से हमें पानी मिलता है. जैसे कि लेक, बारिश का पानी ये सब जगह पर जमा होता है, या फिर जो ग्लेशियर्स होती हैं उसमें से पानी आता है, या फिर बर्फीली पहाड़ियाँ जो होती है, बर्फीले पहाड़ होते हैं वहाँ से पिघलकर पानी आता है. तो जैसे आप देखेंगे कि हिमालय, हिमालय जो है वो पूरा बर्फ से ढका हुआ है, बर्फ के पहाड़ हैं, उसी में से गंगा नदी निकलती है या फिर बहुत सारी नदियाँ उसमें से निकलती है. मतलब उस पर जो होने वाली बर्फ होती है वो जब पिघलती है तो नदियाँ बनती हैं, ठीक है. तो वो नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर है. तो लेक, लेक में से हमें पानी मिलता है, पॉन्ड से भी हमें पानी मिलता है, और इसी में से जो है हमारे घर के लिए पाइपलाइंस डाली हुई होती है इन्हीं सारे सोर्सेस में से. जहाँ पर भी जो भी सिटीज होते हैं, जो भी गांव होते हैं, वहाँ पर जो नज़दीक में रिवर या फिर लेक या पॉन्ड वगैरह अवेलेबल होते हैं उसी से पाइपलाइंस आती हैं और वो हमारे घरों में आती हैं. अब वाटरफॉल, ये भी एक वाटर का सोर्स है. देन रिवर, ये सबसे ज़्यादा सबसे बड़ा सोर्स ऑफ वाटर है फ्रेश वाटर के लिए. देन स्ट्रीम से हमें भी, उससे भी पानी मिलता है. देन सी जो है, सी का पानी इस्तेमाल कम किया जाता है पीने के लिए या फिर कपड़े वगैरह धोने के लिए, क्योंकि उसका पानी सॉल्टी होता है, उसमें सॉल्ट होता है, इसके लिए कम इस्तेमाल किया जाता है. अदरवाइज अगर सी का पानी पीने के लिए इस्तेमाल किया जाने लगे तो फिर हमारे पास प्लेंटी ऑफ वाटर हो जाएगा, हमारे पास बहुत सारा वाटर होगा, क्योंकि हमारा जो अर्थ है वो 3 पार्ट वाटर ही है, लेकिन वो सॉल्टी वाटर है इसलिए हम उसे यूज़ नहीं कर पाते हैं पीने के लिए या फिर डेली के काम में. हॉट वाटर स्प्रिंग से भी हमें पानी मिलता है. तो ये सारे जो सोर्सेज थे ये थे नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर. और ये इधर मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो मैन मेड सोर्स ऑफ वाटर हैं, हैंड पंप, बहुत सारी जगह पर हैंड पंप इस्तेमाल किया जाता है पानी लेने के लिए. वो पानी कहाँ से आता है, वो पानी ज़मीन के अंदर से आता है. ट्यूबवेल इस्तेमाल किया जाता है, खास करके खेतों में ये ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, फील्ड में, वाटरिंग फील्ड के लिए. देन टैप, हम घर पे इस्तेमाल करते हैं टैप, और फिर वेल का भी इस्तेमाल होता है अंडरग्राउंड वाटर को निकालने के लिए. तो ये सारे थे सोर्सेस ऑफ वाटर.
अब हम देखेंगे कि नीड लेस और मोर वाटर, हमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत कहाँ पर पड़ती है और कम पानी की ज़रूरत कहाँ पर पड़ती है। जैसे वाटर फील्ड, मतलब कि खेतों में पानी देने के लिए, फील्ड में वाटर डालने के लिए हमें बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। कुकिंग के लिए हमें कम पानी की ज़रूरत पड़ती है। वॉशिंग के लिए हमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है, मीन्स मोर वाटर वी नीड, कुकिंग के लिए लेस वाटर वी नीड, एंड ड्रिंकिंग के लिए भी हमें लेस वाटर चाहिए होता है। इससे अगर हम कंपेयर करें, अगर वॉशिंग से कंपेयर करें तो ड्रिंकिंग में हमें लेस वाटर चाहिए, और अगर कुकिंग और वाटरिंग फील्ड को अगर हम कंपेयर करें तो हमें वाटरिंग फील्ड के लिए मोर वाटर चाहिए। इस तरह से हम देख सकते हैं कि किस जगह पर हमें मोर वाटर चाहिए होता है और किस जगह पर हमें लेस वाटर चाहिए होता है। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि आपको काम सारे करने हैं पर वाटर को लेस यूज करना है। फ्रॉम वेयर डू वी गेट वाटर, आप देखिए आपके घर में पानी किस सोर्स से आ रहा है और आप कौन सा मैन मेड सोर्स ऑफ वाटर यूज कर रहे हो, वेल, टैप, या फिर क्या आप यूज करते हो घर पे, वो आपको एक्टिविटी करनी है टेक्स्ट बुक के अंदर, ठीक है। तो आप इसको पढ़िए, इसके जो न्यू वर्ड्स हैं इसकी प्रैक्टिस कीजिए और उसको कॉपी करके नोटबुक में आपको लिखना भी है और लर्न भी करना है, जिसके कारण आपकी रीडिंग एंड राइटिंग दोनों इम्प्रूव होगी। सो इसकी प्रैक्टिस कीजिए, टेक्स्ट बुक में दी हुई एक्सरसाइज को करिए और एक्टिविटीज़ को करिए, एंड कीप इट इन माइंड दैट यू हैव टू यूज़ लेस वाटर। आपके घर में अगर कोई लीकी टैप है तो उसको इमीडिएटली रिपेयर कराइए, भले ही थोड़ा थोड़ा पानी जाता हो पर उससे बहुत ज़्यादा पानी वेस्ट होता है, तो आप उसको लीकी टैप को इमीडिएटली रिपेयर कराइए और दूसरे लोगों को भी बताइए कि पानी किस तरह से बचाना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, लेट अस मीट इन नेक्स्ट वीडियो।